खाना बनाने का शौक, वो जो बाबर आजम की बात है, कहते तो कौन सा ऐसा प्लेयर था जो सबसे पहले उठकर बैठ जाता था? हैं, अब तो खैर लड़कियां भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, किस्सा इसकी एग्जांपल है बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एसके स्पीच। आज हमारे साथ बहुत ही आप कह लें कि इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, जिनका इंट्रोड्यूस मैं जरूर आपको करवाऊंगी और आई एम श्योर कि आप सब उनको जानते होंगे। उन्होंने आपने पीसीबी के साथ उनको देखा होगा काम करते हुए, आपने आई एम श्योर कि आपने उनका कंटेंट भी एंजॉय किया होगा। अगर हम इब्राहिम बदीस की बात करें तो उन्होंने एज अ राइटर अपना करियर को स्टार्ट किया और अब वो सोशल मीडिया मैनेजर का काम कर रहे हैं, फिलहाल वो लाहौर कंदस के लिए काम कर रहे हैं। हम उनकी जर्नी के बारे में भी जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं और शोजब आपको वेलकम करते हैं इसके स्पीक में। थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच किसान, थैंक यू सो मच शोजेब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो एंड गिविंग सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा तो शोजब आप सवाल करने इनसे इनके जर्नी के बारे में, फिर हम बाकी इनका एजेंडे का शॉप का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, जिस तरह आपने हमें ये थैंक यू किया, हमारे लिए ऑनर की बात है आप हमारे साथ आज इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे लिए ऑनर की बात है। आप जिस तरह ग्रेट पर्सनालिटी है आपकी माशाल्लाह से, तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस जर्नी की बात करूंगा। माशाल्लाह से इतनी अच्छी जर्नी रही, पहले आप किसी भी रहे, उसके बाद आपने लाहौर के अंदर को भी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसी जर्नी रही आपकी एज अ मीडिया मैनेजर एंड द राइटर एज वेल। आपने एनालिसिस भी की, एनालिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, तो कैसी जर्नी रही आपकी अब तक? Shozab, it wasn't like it was a smooth journey. There was it, I could say it was a roller coaster for me. 2009 में मैंने bachelor's किया था, mass communication के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, और it was an accidental like registration जो मैंने enrollment की थी। और बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, यंग लोग होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादातर एक्सीडेंटल ही किसी ना किसी फील्ड में चले जाते हैं। तब मैथ्स कम्युनिकेशन में जाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश लिटरेचर करना चाहता था, बट इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कोई ऑप्शन नहीं था, एक बैकअप रखते हैं सब लोग, मैंने भी रखा, मैथ्स कम्युनिकेशन में मेरा एडमिशन हो गया। 2009 में मैंने वहाँ पे बैचलर्स में स्टार्ट किया, और लकीली कुछ रिलेटिव्स थे मेरे मीडिया में पहले ही, तो उस उनकी वजह से, और फिर एक अपॉर्चुनिटी आई इंटर्नशिप की डॉन न्यूज़ टीवी के अंदर, और मैंने उसी साल एंड में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। तो मैं सुबह के टाइम क्लासेस लेता था और शाम को डॉन न्यूज़ टीवी पर जाके रिपोर्टिंग करता था, स्पोर्ट्स रिपोर्टर उनको चाहिए था, तो शुरू में इंटर्न ही था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन गया, और चलते फिरते मैंने कुछ चार पाँच चैनल चेंज किए इस चार पाँच साल के अंदर। और फिर मैं 2015 में मैं जर्मनी चला गया मास्टर्स इन मैथ्स कम्युनिकेशन करने। जब वहाँ से वापस आया और फिर एक दो साल मैंने जर्नलिज्म में काम किया अपनी स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर ही, नियो में, हम न्यूज़ में, मुख्तलिफ इदारे में चेंज करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म में आगे बढ़ने का तरीका उस वक़्त यही था कि आप मुख्तलिफ इदारों में जाके अपने आप को मनवाएं तो आप एक अच्छे बेहतर जर्नलिस्ट और ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है, इस तरह की चीज़ें थी। एनी हो, 2019 की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रीवैम्प हुआ, एहसान मानी चेयरमैन आए, तो डायरेक्टर मीडिया समीर हसन बरनी आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पहले भी पीसीबी में काम कर चुके थे काफ़ी अर्सा पहले, फिर आईसीसी में चले गए, वहाँ पर डायरेक्टर मीडिया बने, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया बनकर आए। तो उन्होंने फिर रिक्रूटमेंट की कुछ, और मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट ही थे, एहसन इफ्तखार नागी, जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर हैं, उन हम दोनों को उन्होंने यहाँ पे हायर किया और हम दोनों ने अपना काम स्टार्ट किया। तो 2019 में मैं जर्नलिस्टिक हैट उतार कर मैं एक पीआरओ, एक मीडिया कोऑर्डिनेटर, और स्टार्ट किया मैंने अपना डिजिटल कॉन्टेंट वहाँ से। और 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि मैं हायर हुआ था एज एन एडिटर उर्दू कंटेंट। मेरा काम था कि पाकिस्तान की जो फैन हैं और जो जर्नलिस्ट हैं बेसिकली, उनको इंग्लिश नॉर्मली प्रेस रिलीज यूज़ करता था पीसीबी, उनको ट्रांसलेट करके उर्दू में देना है
ताकि उनको लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन हो, और जो मैसेज पीसीबी देना चाहता है वो मैसेज एज इट इज फैंस तक और मीडिया तक और उनके व्यूअर तक पहुंचे। इससे स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने थोड़े से पर वहाँ पे फैलाने शुरू किए और प्रोफाइल पैकेजेस शुरू किए, क्यूरेटर का पैकेज किया कदाफी स्टेडियम के अंदर, इस तरह के और बहुत से मैंने वहाँ पे पैकेजेस, वीडियो कंटेंट बनाए वुमेन्स टीम के साथ, इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ कंटेंट बनाया। मुझे याद है कि तब मोहम्मद हारिस भी था, आज पाकिस्तान टीम का मेन प्लेयर है, कासिम अकरम था और बहुत से प्लेयर जिनके साथ हमने तब काम किया। और उस वजह से फिर मुझे 2020 में मेरे ज्वाइन करने के तकरीबन 1.5 साल बाद ही मुझे पहला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टूर मिल गया। और 2020 न्यूजीलैंड का टूर था, कोविड टाइम से बहुत मुश्किल टूर था, पाकिस्तान टीम के 7 या 8 प्लेयर्स कोविड की वजह से उसमें क्वारंटाइन हुए थे और बैक टू बैक खबरें और ये सब कुछ। तो पहला ही टूर एक्साइटिंग हो गया, चैलेंजिंग हो गया और वहाँ से फिर काफ़ी कुछ सीखा। मैं मीडिया मैनेजर नहीं था टीम का, हमारे साथ सीनियर हैं अभी जनरल मैनेजर बन गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया के, रजा किचलू, वो मीडिया मैनेजर हुआ करते थे लेकिन कुछ उनको मेडिकल इश्यूज की वजह से वो अवेलेबल नहीं थे। तो आई वॉज द वन जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, कोशिश किया वहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकता था किया, सोचा समझा कि क्या बेसिकली हमारी ऑडियंस है, किसके लिए क्या कंटेंट बनाना है, क्या किसको चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ गलतियां हुई, बहुत सी गलतियां हुई बल्कि, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश किया कि सीखते रहे और फिर एंड अप कवरिंग लाइक द 2 वर्ल्ड कप्स विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज अ मीडिया एंड डिजिटल मैनेजर एंड 1 एशिया कप। और माशाल्लाह एक वही एशिया कप में फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में एक में सेमीफाइनल खेला, एक में फाइनल खेला, तो बहुत कुछ देखा। पहली दफ़ा इंडिया को पाकिस्तान ने हराया वो भी देखा, और फिर अब जो है वो लाहौर 2023 में मैंने छोड़ दिया पीसीबी, क्योंकि पीसीबी के कुछ चेंजेस हो रहे थे और ये सब, और वाइफ मेरी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जस्ट कीप माई सेल्फ अवे और लेट द म्यूजिक प्ले, जब म्यूजिक रुक जाएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। मीन वाइल जब मैंने छोड़ा तो मुझे लाहौर कैलेंडर से ऑफर आई, कॉल आई समीन राणा की, आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं कि, तो आई सेड कि यार यस व्हाई नॉट, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी के साथ उनके साथ काम किया, उस अपॉर्चुनिटी को लिया। लकीली टीम यहाँ पे भी चैंपियन बन गई, तो और अब जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ हूँ। डर्बन कैलेंडर्स अभी रिसेंटली हमारी टीम F20 खेल रही है, उसको मैनेज कर रहा हूँ, उसका सोशल मीडिया, लाहौर कैलेंडर्स और कैलेंडर सिटी जो लाहौर कैलेंडर्स का ही प्रोजेक्ट है। तो ये मेरा टोटल जर्नी है। अब आप सवाल करें। माशाल्लाह ब्रिलियंट जर्नी, इस तरह अपन अप्स एंड डाउन तो बिल्कुल आते हैं जर्नी के अंदर, इस तरह आपने बताया माशाल्लाह। खैर सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल यही था कि मेरा कि जिस तरह आपने माशाल्लाह ये मीडिया मैनेजर थे, तो खैर मेरा पर्सनली इस तरह का क्वेश्चन था कि एज अ मीडिया मैनेजमेंट आपकी अपनी क्रिकेट की जो है आपकी चॉइस कैसे आई, आप किसी और में क्यों नहीं गए, और क्रिकेट में क्या एक्सीडेंटल था जिस तरह आप इस तरह मीडिया मैनेजिंग में और जिस तरह मास कम्युनिकेशन किया आपने? नहीं, क्रिकेट तो एक्सीडेंटल नहीं था, क्योंकि व्हेन यू से स्पोर्ट्स रिपोर्टर या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, ऑलराइट। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी कुछ हद तक हॉकी ज़रूर था, हम फॉलो करते थे, बट नोवेयर नियर क्रिकेट। सो द ओनली ऑप्शन इज़ क्रिकेट। और कुछ जाहिर है आप पाकिस्तानी हैं और आप अगर ख़ास तौर पर लड़के हैं, अब तो खैर लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, किस्सा इसकी एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, अगर आप लड़के हैं और पाकिस्तानी हैं तो आपको क्रिकेट आपका पैशन है। हम वो लोग हैं जो टेस्ट मैच भी एक एक बॉल लाइव देख रहे होते हैं और एक एक बॉल के अंदर फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, कल पेपर था या नहीं था या है या नहीं है, वी डैम केयर, हमें वो बॉलिंग देखनी है, वो बैटिंग देखनी है, सारा सारा देखना है। अब उसे डांट भी पड़ती थी कि ये क्या सारा दिन बैठ के अपना टाइम जाया कर रहे हो। तो क्रिकेट वॉज अ पैशन, क्रिकेट इज अ पैशन, और फॉर्चुनेट इनफ कि जो पैशन था वही प्रोफेशन बन गया और उसी के अंदर काम किया, मेहनत की और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश। तो ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये प्योर पैशन था।
थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छा आंसर दिए। खैर बाकी क्वेश्चंस करने से पहले तो मैं एक जो है फन सेगमेंट बेसिकली करना चाहूंगा कि रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहूंगा, जिसमें आपने रैपिडली जवाब देना होगा और जो भी आपके दिमाग में पहले प्लेयर का नाम आता आपने उसका जो है नाम लेगा बगैर कुछ सोचे समझे। तो पहले ये है उठ के बैठ जाओ शादाब खान, शादाब खान जी जी, यस यस शादाब खान। और कौन सा सा प्लेयर था जो सबसे ज्यादा लेजी था क्रिकेट टीम में? मोहम्मद नवाज। और कौन से हैं भी अभी वैसे? अच्छा अच्छा। और कौन सा सा प्लेयर था जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और उसका कंट्रोल करना मुश्किल था फिर? शाहीन अफरीदी। बस लगता है मैंने पठान की तरह फिर वो। अच्छा फिर कौन सा ऐसा प्लेयर था जो अपने फोटो शूट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता था, कहता ये मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है ये दोबारा लें और इस तरह? बहुत से हैं ये अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत से हैं। हफीज भाई। हफीज नहीं। अच्छा कोई ऐसा प्लेयर जिस जब आपने कोई पोस्ट कर दी सोशल मीडिया पे उसकी पिक्चर तो बाद में आपका ये मेरी पिक्चर अच्छी नहीं है इसको डिलीट कर दें? डिलीट करने का किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहते थे कि यार ये ऐसे ना करते, ऐसे कर लेते, ये इसको एंगल चेंज कर लेते, इसका मतलब कुछ और जा रहा है, ये जरूर होता है क्योंकि जाहिर हर बंदा देख रहा होता है। डिलीट करने का किसी ने नहीं कहा। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह बाबर आजम तो आजकल बहुत फेमस हैं, पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं, तो बाबर आजम की कोई ऐसी बात जो आम जो है फैंस को नहीं जानते? बाबर आजम के फैन जानते हैं या नहीं, लेकिन एक बात बाबर आजम की है, ही इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्विक लर्नर। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको और हिम्मत ताकत इज्जत दे। जब भी उसके बारे में बात करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है। और मैं आपको ये वाकया सुनाता हूँ, जब मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया न्यूजीलैंड टूर के ऊपर, तो उस वक्त तो इतना खास नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे मैनेजर उस वक्त मेरे साथ मुसलसल ऐसे मेरे मंसूर राना, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये रैपिड फायर से, ये जवाब जो है वो डिटेल आंसर बन गया है। तो उन्होंने मुझे वेस्ट इंडीज टूर था और उन्होंने मुझे, हम वैसे ही डिस्कशन कर रहे थे जाहिर है, टीम मैनेजर और टीम मीडिया मैनेजर आपस में उठते बैठते थे, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक जुमला कहा था कि इब्राहिम बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है और हमारी कौम और हम लोग इस टीम के अंदर भी नहीं जानते कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, अगर तुम कुछ कर सकते हो इसको इतना बड़ा प्लेयर दिखाने में तो ज़रूर करो, लोग नहीं जानते वो कितना बड़ा प्लेयर है। ये उनका मुझे जुमला याद है। और उसके बाद उस वेस्ट इंडीज टूर था हमारा, उसके बाद मेरी कोशिश भी यही रही और कोशिश करते रहे कि हम, मैं या मंसूर भाई वगैरह, हम लोग किसी तरह बाबर का जो एक बेसिकली उसका जो एक ग्रेटनेस है वो दुनिया के सामने लेकर आए, और फिर हर चीज़ उसी एंगल से सोचना शुरू हो गए थे। तो उसने फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चीज़ों को लर्न करना शुरू किया और बहुत स्मार्ट हैं। लोग कहते हैं कि शायद उन्हें वो ग्राउंड के अंदर डिसीजंस कोई और ले रहा होता है, ये है वो, और फिर एंड अप सेइंग कि जी बाबर अपनी टीम अपने दोस्तों की टीम बनाते हैं, इट मींस कि देयर इज़ अ जर्नी जो उन्होंने देखी है या फॉलो की है। वही लोग जो शुरू में कहते हैं कि बाबर सिर्फ खड़े होते हैं बाहर से मिस भाई ये वो टीम चला रहे होते हैं, एंड सब के बाबर अपनी मर्जी की टीम बनाते हैं अपने दोस्तों को डालते हैं, ये वो चीज़ है जो शायद लोगों ने उस तरह सोची है या नहीं आई डोंट नो, बट ही इज रियली गुड स्मार्ट एंड क्विक लर्नर जो मैंने देखा है, और ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज फैन, फैन की लिटरली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कहीं कई जगह पे हमारे पास इवेंट होते थे जिसमें टाइम नहीं होता था, बट ही स्टूड देयर और जो भी फैन होते थे तस्वीरें, क्योंकि आप जब पाकिस्तान के कैप्टन होते हैं तो आपकी टाइमिंग्स आपकी ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती है, किसी इवेंट में निकलना चलना ये सब कुछ, लेकिन उन्होंने वो इम्प्रेशन तोड़ा और उनकी वजह से उस पूरी टीम ने आप देखें
कि फैन को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, उससे पहले भी प्लेयर्स होते थे करते थे, बट वो शायद उस तरह डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे होते थे। ये जो कल्चर था बाबर आजम ने जो कल्चर दिया, और फिर उनके साथ जो उनके साथी थे और पूरी टीम के अंदर एक कल्चर डेवलप हुआ, वो ये था कि डाउन टू अर्थ और परफॉर्मेंस तो देते ही देते थे, लेकिन उसके बावजूद वो जो कुछ प्लेयर हैं वो कहते हैं कि जी सीना चौड़ा हो जाए, आंखें ऊपर चली जाए, ये हमारी पहचान और ये सब, ऐसे नहीं थे। उन्होंने करके दिखाया और उस टीम को लिया था जब वो टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसकी वो रिस्पेक्ट दिलाई, वो सब कुछ किया और अल्लाह ताला ने उनको फिर बहुत सी विक्ट्रीज भी दिलाई। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा कि वेरी डाउन टू अर्थ और दूसरा क्विक स्मार्ट। जी बिल्कुल, बाबर आजम तो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं अभी तक। अच्छा अगला क्वेश्चन, कि ऐसा प्लेयर जो बिल्कुल अकेला रहता है और मतलब उसको शौक है ज्यादा कि वो अकेला ही रहता है, ज्यादातर उसके फ्रेंड्स नहीं होते या फिर वो अकेला रहना पसंद करता है? यार ये डिपेंड करता है आप कौन से स्क्वाड या कौन से टूर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक टूर पे मुझे याद है खुशदिल शाह बहुत अकेले थे, परफॉर्मेंस भी थी सब कुछ था, बट उस टूर के ऊपर मेरा ख्याल है कि क्योंकि खुशदिल की ज्यादातर जो दोस्ती है वो इफ्तिखार भाई से है, रिजी भाई से, हालांकि रिजी भाई भी थे इफ्ती भाई भी थे, लेकिन उस टूर पे वो काफी अकेले थे। शाहनवाज धानी वैसे तो सबके साथ घुलते मिलते हैं, लेकिन अगर आप होटल में उनको देखें तो ही प्रेफर्स के वो नाश्ते पे अलहदा बैठ के नाश्ता करते हैं, खाना है तो अलहदा बैठ के खाते हैं, बाहर निकलना है तो अलहदा जाते हैं बाहर निकलने। तो इट डिपेंड्स कि कौन से टूर की आप बात कर रहे हैं। बहुत से लड़के हैं जो ज़्यादातर अपना ग्रुप के साथ ही स्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ हैं जिस तरह के शाहनवाज धानी हैं, खुशदिल हैं, हैदर अली हैं, भी अकेले मूवमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको खाना बनाने का शौक है? खाना बनाने का शौक खाला इमाम मुझे नहीं पता, लेकिन हारी स्टोव की चाय बहुत मशहूर है, हारी स्टोव की चाय, साजिद खान का कावा, ये साजिद खान की भी चाय है, लेकिन हारी स्टोव की चाय और साजिद खान का कावा ये बहुत मशहूर। ठीक हो गया, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आपने अपने साथ काम करते हुए मतलब आपका फेवरेट प्लेयर था जिसके साथ आपने काम किया? बाबर आजम बिल्कुल। अच्छा तो कोई लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का, आपकी फेवरेट मेमोरी क्रिकेट में? मेरा ख्याल है कि लोगों की वो इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना है, लेकिन मेरी फेवरेट मेमोरी इंग्लैंड के साथ जो हमारा फाइनल था और प्री फाइनल डे जो था वो मेरी फेवरेट मेमोरी है, क्योंकि उस वक्त हमारी टीम ने एक इवेंट यहाँ पे एमसीजी के बाहर एक इवेंट था फैंस का, वो अटेंड किया था, पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर्स थे, इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स थे, उससे पहले जो गेम स्टार्ट हुआ था वो बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन और इंग्लैंड के कैप्टन एमसीजी की वो रूफ टॉप के ऊपर गए थे और वहाँ पर तस्वीरें और फोटोग्राफ्स वगैरह हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी बाबर ने, फिर हमने वो, तो मेरे ख्याल में वो जो प्री फाइनल डे था वर्ल्ड कप का वो मेरे ख्याल में मेरा फेवरेट डे है।